नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर जो है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने शैक्षिक मूल्यांकन वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसका फास्ट रिवीजन जो है उसका पार्ट देखा था। यदि आपने नहीं देखा है, साइड में जो है वो आई बटन, उस पर आपको वीडियो की लिंक जो है वो मिल जाएगी। आज से हम वीडियो में संस्कृत के बहुविकल्पी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो 145 बहुविकल्पी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें सभी ईयर के बहुविकल्पी भी शामिल हो जाएंगे और सभी चैप्टर जो है वो बहुविकल्पी में भी जो है वो कवर हो जाएंगे। तो बहुविकल्पी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम इसको दो पार्ट में जो है वो देखेंगे। पहले यानी आज के पार्ट में हम कुल 70 बहुविकल्पी जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पाणिनि के अनुसार संस्कृत जो वर्ण है उनके जो है वो सूत्र जो है वो कितने हैं? तो 14 माहेश्वर सूत्र जो हैं वो कुल होते हैं। 14 माहेश्वर सूत्र आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन पर आधारित जो प्रत्याहार हैं उन पर आधारित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो यानी ब जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दो है कि संस्कृत में कुल ध्वनियों की संख्या जो है वो कितनी होती है? हालांकि होती 108 है, परंतु यहाँ चारों ही ऑप्शन में जो है वो नहीं दे रखा है। यहाँ पर उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 64 जो है वो दे रखा है। यदि 108 आपके ऑप्शन में हो तो वो जो है वो सही होगा। अगला है, संस्कृत भाषा में कुल स्वर कितने हैं? तो स्वरों की संख्या भी जो है वो 9 होती है, परंतु यहाँ चारों ही ऑप्शन में जो है वो नहीं दे रखा है। आई थिंक यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट जो है वो हुई है, तो यहाँ पर 21 दे रखा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अगला है, संस्कृत भाषा में जो है कुल व्यंजन कितने हैं? तो व्यंजन जो है वो 33 होते हैं, और यहाँ पर भी जो है वो मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन आ जो है वो 25 दे रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो व्यंजनों की संख्या जो है वो 33 होती है, और स्वरों की संख्या जो है वो 9 होती है संस्कृत में। कुल ध्वनियों की संख्या जो है वो 108 जो है वो होती है। अगला प्रश्न पाँच है, संस्कृत भाषा में यम है तो जो महर्षि पतंजलि हैं उनके द्वारा योग सूत्र में वर्णित 5 जो हैं कुल यम हैं, कौन कौन से? पहला आपका होता है अहिंसा, दूसरा होता है आपका सत्य, तीसरा होता है अस्तेय, चौथा होता है ब्रह्मचर्य, और पांचवा होता है अपरिग्रह। तो ये जो है पांचवा वाला ऑप्शन नंबर द जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संस्कृत भाषा में वर्ण के जो है वो भेद हैं, तो दो भेद होते हैं, एक होता है आपका स्वर और एक होता है आपका व्यंजन। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां, कि निम्न में स्वर का भेद कौन सा जो है वो नहीं है? तो स्वर के भेद में आपका दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर, ये सभी जो है वो आ जाएंगे। आपका जो अंतस्थ लिखा है ये जो है वो व्यंजन के भेद में जो है वो आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर द जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आठ है कि स्वर जो है वो कहलाते हैं, तो स्वर क्या कहलाते हैं? स्वर जो है वो अच एक प्रत्याहार होता है, जो कि संपूर्ण जो स्वर होते हैं उनको प्रदर्शित करता है, तो अच जो है आपका सही हो जाएगा, स्वर जो है इसको कहते हैं। इसके अलावा हल यदि लिखा होता तो ये जो है वो ये संपूर्ण जो व्यंजन होते हैं उनको जो है वो दर्शाता है। हल जो है ये व्यंजन हो जाएगा, अच जो है ये आपका स्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 है कि माहेश्वर सूत्र हैं, तो कुल माहेश्वर सूत्र जो हैं वो 14 होते हैं, मैंने ऊपर आपको बताया भी। अगला है, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं, तो स्पर्श व्यंजनों के जो वर्ग हैं वो कुल 5 जो है वो होते हैं। आपका का वर्ग, चा वर्ग, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा। तो इसे आप जोड़ के याद रख सकते हैं, का च ट त प, कटप्पा इस टाइप से देखिए थोड़ा सा मैच कर रहा है, तो क च ट त प, ये जो है आपके स्पर्श व्यंजन जो है उनके जो है वो वर्ग होते हैं। इन सभी का जो है वो अलग अलग सूत्र भी होता है, जिसमें जो उच्चारण होने वाले जो वर्ण हैं कौन कौन से आते हैं, स्वर व्यंजन, उन सभी का जो है उसी सूत्र में नाम जो है वो आ जाता है। अगला प्रश्न 11 है कि व्यंजन वर्ण जो है वो कहलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि स्वर जो है वो अच कहलाते हैं, जबकि जो व्यंजन है वो जो है आपके हल जो है वो कहलाते हैं, तो आपका ऑप्शन सा जो है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 12 की तरफ। प्रश्न है आपका कि माहेश्वर सूत्र जो है उनकी रचना जो है वो किसने की थी? तो अभी मैंने आपको बताया कि पाणिनि के द्वारा जो है माहेश्वर जो सूत्र हैं उनकी जो रचना है वो की गई थी। अगला प्रश्न 13 है कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? तो एक मात्रा का जिनमें समय लगता है वो ह्रस्व स्वर जो है वो कहलाते हैं। स्वर जो हैं उनके प्रकारों में 3 प्रकार जो है वो होते हैं, एक आपका ह्रस्व स्वर जिसमें एक मात्रा का समय लगे, एक में दीर्घ जिसमें 2 मात्रा का समय लगे, और एक प्लुत जिनमें 2 मात्रा से अधिक का समय लगे। जैसे हम किसी को दूर से बुलाते हैं तो वहाँ पर जो है वो प्लुत स्वर जो है वो यूज़ होता है, और पहचान इसकी अगले वाले देखिए प्रश्न
प्रश्न में पूछा गया है कि ओम में जो है वो प्लुत स्वर है तो कौन सा है। ये जो आप ऊ टाइप का देख पा रहे हैं एक्चुअल में ऐसे ना बन के हिंदी की गिनती जो तीन बनती है इस टाइप से जो है आपका प्रदर्शित जो है वो किया जाता है। तो ये जो है आपका ये वाला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा, परंतु जब आपके पेपर में लिख के आएगा तो थोड़ा कुछ इस प्रकार से जो है वो लिख के आएगा। अगला प्रश्न 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन जो है वो हैं, तो ऊष्म व्यंजन जो है आपके जो शल प्रत्याहार है उसके अंतर्गत जो है वो आते हैं। काफ़ी बार डायरेक्ट यही जो है वो पूछ लिया जाता है। और शल प्रत्याहार में आपके चार वर्ण जो है वो आते हैं, कौन कौन से? एक आपका आता है श, एक आपका आता है स, एक आपका आता है ये वाला स, और ये एक आपका जो है वो हा। इन सभी में जो है इस प्रकार हलंत भी जो है वो लग जाएगा। तो श श स और हा, ये चार वर्ण जो है वो शल प्रत्याहार में आते हैं और ये सभी जो है वो उस व्यंजन में हो जाएंगे। तो बात करते हैं इन चारों में उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बा वाला हा जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 है कि टा वर्ग के व्यंजन वर्ण जो है वो कहलाते हैं, तो टा वर्ग के जो व्यंजन वर्ण हैं वो स्पर्श जो है वो कहलाते हैं। स्पर्श में मैंने अभी पांच आपको बताए थे, क च ट त प, तो वहीं पर मैंने टा वर्ग भी बताया था, वो सभी वर्ग थे, उसके अंतर्गत सभी जो है वो वर्ण जो है वो आते हैं। जैसे का वर्ग की बात करें तो का खा गा गा अंगा, इसी प्रकार टा वर्ग की बात करें टा ठा डा डा डा, तो ये सभी जो है वो स्पर्श जो है वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न 17 है कि प्रत्याहार जो है उनकी संख्या कितनी होती है, तो प्रत्याहारों की संख्या जो है कुल 42 जो है वो होती है। जो माहेश्वर सूत्र हैं उन्हीं से जो है वो प्रत्याहार जो है उनका निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 18 कि वा जो है उसका उच्चारण स्थान जो है वो क्या होगा, तो वा का उच्चारण स्थान चारों ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में देखिए तो दंत यानी कि दांत भी आ रहा है और ओष्ठ यानी कि ओष्ठ भी आ रहा है, तो दांत और ओष्ठ दोनों से जो मिलकर बनता है ये जो है आपका दंतोष्ठ होता है और ये जो है वो वा के उच्चारण स्थान में जो है वो आ जाता है। इसका उच्चारण स्थान का सूत्र भी होता है संस्कृत में वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम जो है वो इसका सूत्र भी जो है वो होता है। अगला प्रश्न 19 देखते हैं कि दंत जो है वो किसका उच्चारण स्थान जो है वो होता है, तो बात करें उत्तर की, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा यानी कि जो ला है उसका उच्चारण स्थान दंत यानी कि दांत जो है वो होता है। सभी उच्चारण स्थान की तरह इसका भी सूत्र होता है लृतु लसानाम दंताः, तो लृतु में लरी जो आप देख पा रहे हैं ये 12 प्रकार के लरी जो है वो होते हैं वो भी इसमें आते हैं। इसके बाद लृतु के बाद जो तू देख पा रहे हैं, तू संस्कृत में ये होता है जैसे कू चू टू तू, तो इसका अर्थ होता है इसका पूरा वर्ग यानी तू मतलब ता वर्ग जो है वो सभी आ जाएगा। और ता वर्ग में कौन कौन से आते हैं, आपका ता आता है, था आता है, इसी प्रकार दा आता है, इसी प्रकार धा आता है, इसी प्रकार ना आता है और इसी प्रकार ला भी आता है। और मैंने बताया लितु लशा नाम, तो लशा का जो सा आ रहा है उससे ये सा भी जो है यहीं पर आ जाता है। तो संस्कृत में आपको यदि याद है तो हिंदी में भी आपको हेल्प करता है। तो ये सभी जो है वो दांत से उच्चारण में आते हैं और यहाँ पर देखिए ला आ रहा है और यही आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 देखते हैं कि का वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान का सूत्र होता है अकुह विसर्जियानाम कंठाः, अकुह विसर्जियानाम कंठाः ये सूत्र होता है और इसमें अकु का जो आ बड़ा छोटा दोनों आ जाते हैं और कु मैंने आपको बताया जो कु है वो का वर्ग को पूरा दर्शाता है। संस्कृत में ऐसा होता है जो कु है या चू है या टू है ये सभी पूरे पूरे वर्ग को दर्शाते हैं, तो इसमें का वर्ग में का खा गा गा हा ये सभी जो है वो आ जाएंगे। और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि का वर्ग का उच्चारण स्थान, तो अकुह विसर्जियानाम कंठाः, तो मैंने आखिरी में बताया कंठाः यानी का वर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ होता है, यहाँ से सूत्र से आपको जो है वो पता चल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 21 है कि ऊ जो है वो प्रयत्न है, चार ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रयत्न होता क्या, तो देखिए कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हम एक प्रयत्न करते हैं उसको बोलने में, तो उसके आधार पर प्रयत्न को दो भागों में जो है वो बांटा गया, एक होता है आपका आभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है आपका बाह्य प्रयत्न। तो जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है ये जो है वो 5 प्रकार का होता है और जो बाह्य प्रयत्न होता है ये जो है आपका 11 प्रकार का होता है। तो आभ्यंतर प्रयत्न की यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया तो मैं वही आपको बता देता हूँ, तो आभ्यंतर प्रयत्न के जो 5 प्रकार होते हैं उसमें पहला प्रकार होता है आपका स्पृष्ट, दूसरा प्रकार होता है ईषद स्पृष्ट, यहाँ पर ईषद द्विवृत्त लिखा है ईषद स्पृष्ट होता है, तीसरा प्रकार होता है ईषद, तीसरा होता है विवृत्त और चौथा होता है आपका ईषद
तद्विवृत और पांचवा होता है संवृत्त। तो ये पांच प्रकार जो है वो आभ्यंतर प्रयत्न के होते हैं। यहाँ पर जो है वो उ पूछा गया है तो मैं डायरेक्ट उ बता देता हूँ क्योंकि डिटेल में बताऊँगा बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उ जो है वो आपका विवृत में आता है। विवृत में सभी स्वर जो है आपके आते हैं। सभी स्वर का मतलब है अच। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि संस्कृत में सभी स्वरों को जो है वो जो माहेश्वर सूत्र हैं उसके अकॉर्डिंग जो है जो प्रत्याहार दिया गया है वो जो है वो अच प्रत्याहार दिया गया है। तो अच प्रत्याहार विवृत में आपका आता है यानी कि विवृत में सभी स्वर जो है आपके आते हैं। तो वो भी आपका एक स्वर है इसीलिए जो है आपका विवृत जो है वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार एक एक लाइन स्पर्श के बारे में बताऊं तो स्पर्श में सभी जो है आपके स्पर्श व्यंजन आते हैं का से लेकर मा तक। ईषद स्पृष्ट जो होता है उसमें आपके अंतस्थ वर्ण आते हैं और अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं या वा रा ला। ईषद विवृत की बात करें तो उसमें आपके ऊष्म वर्ण आते हैं जो सा 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 ऊपर मैंने एक प्रश्न में बताया भी था। इसके अलावा संवृत्त की बात करें क्योंकि तो यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है ये इसमें केवल और केवल आपका छोटा आ आता है तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है ध्यान रखिएगा संवृत्त में जो है ये आता है। अगला प्रश्न है कि जा वर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है। निम्नलिखित विकल्प जो है उनमें से आपको बताइए। तो जा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा चा छा जा जा इया यह आपका जो है वो तालु से उच्चारण जो है इसका होता है और इसका भी अपना सूत्र होता है। देखिए सूत्र अलग से होते हैं आप जो है उनको याद कर सकते हैं क्योंकि आपको जो है वो यदि प्रश्न में किसी का भी उच्चारण स्थान पूछा गया तो उसमें हेल्प करेंगे या आप हिंदी वाला जो उच्चारण स्थान है वहाँ से भी जो है इसे टिक कर सकते हैं। तो सूत्र होता है इसका ईचू यशा नाम तालु। ईचू यशा नाम तालु जो है इसका सूत्र होता है और यहाँ पर जो है यदि आप देखें ई के बाद चू आ रहा है और चू जो है वो चा वर्ग को जो है वो परिभाषित करता है तो चा में आपका चा छा जा झा इया ये सभी आते हैं तो जा भी आ रहा है इसीलिए जो है आपका तालु जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 23 है। यहाँ से प्रत्याहार पर आधारित जो है वो प्रश्न पूछे गए हैं। संस्कृत वाली डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में आपको जो है प्रत्याहार जो है वो वाला एक वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पर किस प्रकार जो है इन्हें लिखा जाता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको जो है वो उत्तर बता देता हूँ क्योंकि वो माहेश्वर जो सूत्र हैं उन्हीं के आधार पर जो है वो लिखा जाएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो ई ऊ री री जो है वो सही हो जाएगा। अगला है अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं तो ये आपका जो है वो आ ई ऊ ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण जो है वो कौन से होते हैं तो ये जो है आपका आ ई यू री ली ये सभी जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 है कि शर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण तो ये जो है आपका शा सा हा ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण तो यण प्रत्याहार में जो है मैंने आपको बताया था या वा रा ला ये जो है वो चारों आते हैं और या वा रा ला जो चारों आप देख पा रहे हैं ये जो है आपके अंतस्थ वर्ण जो है वो कहलाते हैं और ये जो है वो आपके ईषद स्पृष्ट जो कि आभ्यंतर प्रयत्न का एक प्रकार है उसमें जो है वो आते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि प्रयत्न के दो प्रकार आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के पांच प्रकार जिसमें आपका जो ईषद स्पृष्ट है उसमें जो है सभी या वा राला यानी कि जो सभी अंतस्थ वर्ण हैं वो जो है वो आते हैं। अगला प्रश्न 28 है कि जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण कौन से आते हैं तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत जो है वो आपका जब गर्दस ये आप देख पा रहे हैं ये जो है वो आते हैं। ये सभी माहेश्वर सूत्र आपको याद होंगे इजी तरीके से सभी को आप टिक कर ले जाएंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत बहुत मोटिवेट करता है। अगला प्रश्न है कि हस प्रत्याहार में वर्ण कौन से आते हैं तो ये आप देख पा रहे हैं ये सभी जो वर्ण हैं वो आते हैं हा या व ला फिर यम गणनम फिर झब झ ब घ ट ध फिर जब गर्दस ये जो है वो हस प्रत्याहार में आते हैं। अगला प्रश्न है इच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से हैं तो इच प्रत्याहार में जो है वो आपका स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ये जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंग प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से हैं तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सा जो है वो सही हो जाएगा। अगला है चर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण तो ये आपका सा वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी आप माहेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं इसलिए मैं ज़्यादा उसमें टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। अगला प्रश्न 33 कह रहा है कि उपेंद्राहा में जो है वो संधि कौन सी है तो उपेंद्राहा में जो है वो गुण संधि होती है ये जो है वो सही हो जाएगा। यद्यपि में कौन सी संधि होती है तो यद्यपि में जो है वो यण संधि जो है वो होती है। अगला है गंगा में संधि कौन सी है तो गंगा में जो है वो आपकी अनुस्वार संधि जो है वो होती है। ये सभी संस्कृत में जो संधियाँ होती हैं उसके प्रकार में आती हैं।
अगला है छात्रापि में संधि कौन सी है, तो छात्रापि में जो है वो सुलोप संधि जो है वो होती है। अगला है पावक में संधि कौन सी है, तो पावक में जो है वो अयादि संधि जो है वो होती है। अगला है कि वाक प्लस जालाह में संधि होने का क्या रूप होगा, तो ये जो है वो वाक जालाह जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 कह रहा है कि विश्व प्लस ईसाह की संधि से क्या बनता है, चार ऑप्शन है, तो सही हो जाएगा विश्वेशाह जो है वो बनता है। अगला है गवेषणा में संधि कौन सी है, तो ये जो है वो गुड़ संधि जो है वो हो जाएगी। अगला है एचो अयवायवाह सूत्र किसका होता है, तो ये जो है वो यण संधि का सूत्र होता है, एचो अयवायवाह सूत्र। अगला है अच प्लस अंताह होने पर क्या बनेगा, तो चार ऑप्शन है, बनेगा जो है वो अजंताह। अगला प्रश्न 43 है कि दिगंबराह के चार संधि विच्छेद नीचे दिए गए हैं, सही विकल्प कौन सा होगा, तो दिक प्लस अंबराह सही हो जाएगा। ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है संधि विच्छेद, दिक में गा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं परंतु यहाँ पर का होता है, इसीलिए ये बार बार जो है वो पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 44 कि ऊ के बाद बड़ा आ आने पर क्या हो जाता है, तो ये जो है वो जो संधि जब आप करते हैं उसके आधार पर यहाँ पर पूछा गया है, तो ये जो है वो वाह जो है वो हो जाएगा। अगला है आ प्लस ए या ए मिलने से स्वर का रूप क्या हो जाता है, तो ये जो है वो आपका ए जो है वो हो जाता है। अगला है जलौग्राह में संधि कौन सी है, तो जलौग्राह में जो है वो वृद्धि संधि होती है। अगला है पद के अंत में प्रथम वर्ण के स्थान पर आदेश होता है, तो ये जो है वो तृतीय वर्ण जो है वो होता है। ये जो है वो संधि जो है उसके जो उसमें रूल रेगुलेशन होते हैं उसी की लाइन जो है यहाँ पर लिखी हुई है। अगला है कि री के बाद स्वर आने पर री के स्थान पर क्या हो जाता है, तो री के बाद जो है ये रा हो जाता है। इसका जो है वो एक एग्जांपल भी काफ़ी बार पूछा जाता है, वो पूछा जाता है मात्राज्ञा। मात्राज्ञा में देखिए तो यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, मात्र और प्लस जो है वो आज्ञा, और यहाँ पर यदि आप देखिए तो मात्र में जो है वो लास्ट में री आ रहा है जो कि यहाँ पर लिखा है, और लिखा है कि री के बाद यदि स्वर आने पर, तो छोटा या बड़ा आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये जो है वो आपका स्वर है, तो बड़ा आ और री के बाद आ रहा है, तो आपने क्वेश्चन में क्या देखा कि री के स्थान पर क्या हो जाता है, रा हो जाता है, यानी यहाँ पर रा आ जाएगा, यानी जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तब आपका जो है वो मात्राज्ञा जो है ये बन जाएगा। तो इस प्रकार संधि विच्छेद के जो है यहाँ पर जो है वो सूत्र जो है वो पूछे गए हैं। ये सूत्र, ये जो एग्जांपल है वो यण स्वर संधि का जो है वो एग्जांपल है। अगला प्रश्न 49 है कि माहेश्वर जो सूत्र हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो आप सभी जानते हैं 14 जो है वो होती है। अगला प्रश्न है 50वां कि मध्वरी में जो है वो कौन सी संधि जो है वो होगी, तो मध्वरी में जो है वो यण संधि जो है वो हो जाएगी। अगला प्रश्न है 51 कि परमौषधि में कौन सी संधि होगी, तो परमौषधि में जो है वो वृद्धि संधि जो है वो हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि गायिका में कौन सी संधि होती है, तो ये जो है वो अयादि संधि जो है वो होती है। अगला है 53 प्रश्न कि वसुधैव में जो है वो कौन सी संधि है, तो ये जो है वो वृद्धि संधि हो जाएगी। ये दो मात्रा आप जो देख पा रहे हैं ये जो है वो वृद्धि संधि की एक पहचान को भी जो है वो दर्शाता है। अगला प्रश्न 54 है कि यथोचितम में कौन सी संधि है, तो ये जो है वो गुड़ संधि होती है। पित्राज्ञा में कौन सी संधि है, तो पित्राज्ञा में जो है वो यण संधि होती है। अगला है आपका कि प्रत्युपकारा में कौन सी संधि होती है, तो ये जो है वो यण संधि होती है। इसी प्रकार देवालया में कौन सी संधि है, तो ये जो है वो दीर्घ संधि होती है। हरिम वंदे में कौन सी संधि होती है, तो ये जो है वो मो अनुस्वाराह संधि जो है वो होती है। ये गिने चुने एग्जांपल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है 59 की सच्चित में कौन सी संधि होती है, तो ये जो है आपकी स्चुत संधि होती है जिसका सूत्र होता है स्तो स्चुना स्चुचु, यहाँ पर छोटे की मात्रा भी लगेगी, ये जो है वो सूत्र होता है। और कौन सी संधि होगी स्चुत में, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आदिसा च छोटे की मात्रा त और वह स्चुत संधि जो है वो होती है। इसके अलावा जो जसत संधि है उसका सूत्र होता है झलाम जसवंते, जसत संधि का जो सूत्र होता है वो झलाम जसवंते जो है वो होता है। और स्टुना स्टु जो है ये आपका स्टुत संधि जो है उसका जो है वो हो जाएगा, ये जो है वो इस टाइप से लिखा जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि संस्कृत में जो है वो जो सस्वरवती संख्यावाची शब्द होता है उसको आपको बताना है कि अंकों में जो है वो क्या कहते हैं।
ये काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए हम आपसे जो है वो पूछ रहे हैं। चार ऑप्शन भी हम आपको देते हैं। पहला ऑप्शन है 69, दूसरा ऑप्शन है 96, तीसरा ऑप्शन है 79 और चौथा ऑप्शन है आपका 66। तो ये चार ऑप्शन है आपको बताना है, इन चारों में से कौन सा सही होगा। सरस्वती जो है उसको जो है वो क्या कहते हैं। तो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसका उत्तर जो है हम अगला वाला जो पार्ट होगा, बाकी बचे जो प्रश्न होंगे उसमें जो है वो आपको दे देंगे। चलिए बात करते हैं आगे। प्रश्न अगला कि सत्कार जो है उसमें संधि कौन सी है। यहाँ पर चत्व उत्तर दिया है, जबकि जो है वो जसत्व संधि जो है उसका उदाहरण होगा। अगला है जगदीश में जो है वो कौन सी संधि होगी। तो जगदीश में जो है आपकी झलाम, जस, झसी जो है आपकी संधि जो है वो हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं 62 कि एके नेव में संधि कौन सी होगी। तो यहाँ पर जो है वो आपका अयादि संधि जो है वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार भ्रातरों में कौन सा समास होगा। तो ये जो है वो एक शेष द्वंद्व समास जो है वो हो जाएगा। इनको जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब सभी यहाँ पर आप पहचान जो है वो कर लेंगे। विद्याधनम में कौन सा समास होता है। तो यहाँ पर जो है आपका रूपक कर्मधारय समास जो है वो सही हो जाएगा। अगला है तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के जो है वो छह भेद होते हैं। अगला है तसा आननाह यस्य सह समास विग्रह के बाद शब्द होगा। तो सही होगा दशाननाह जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 67 बहुव्रीहि समास के भेद जो है वो होते हैं। तो कितने भेद होते हैं, ये जो है वो दो भेद होते हैं। अगला है प्रश्न 68 पितरों में जो है वो कौन सा समास है। तो ये जो है वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, माता चा पिता चा, इस प्रकार से जो है वो विग्रह होता है। अगला प्रश्न 69 है कि पीताम्बरा में कौन सा समास है। तो ये जो है वो बहुव्रीहि समास जो है वो हो जाएगा। और अगला और लास्ट प्रश्न है आपका 70, क्योंकि बाकी बचे प्रश्न हम पार्ट टू में जो है वो देखेंगे। तो प्रश्न है आपका कि निर्दोषा में जो है वो कौन सा समास होगा। तो चार ऑप्शन है, सही हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। तो इसी के साथ हमारे इस फर्स्ट पार्ट के 70 प्रश्न जो है वो समाप्त होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।